दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पोको C3 अभी इसके बॉक्स लीक हो गए थे किसी रिटेलर के पास एंड ये कुछ इंडियन वेबसाइट और बहुत सारे वेबसाइट से पाया गया था। इसका जो मॉडल नंबर था वो था M2006C3MI और इसी मॉडल नंबर के साथ घूम रहे हैं 2-3 सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे एंड इसके स्पेसिफिकेशन भी आ गए हैं। कहा जा रहा है कि Redmi 9C जो साउथ ईस्ट एशिया में लॉन्च हुआ था उसी का ये रीब्रांडेड वर्जन होगा। प्राइसिंग करीब करीब 11,000 रुपए आई है लेकिन मुझे लग रहा है कि उतना नहीं होगा। जो भी होगा सारी चीज बताऊंगा इस वीडियो में, चलते हैं देखते हैं क्या है स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस तक आ सकता है, क्या आपको मिल सकता है इसमें। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। दोस्तों चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ अगर कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, चैट कर सकते हो मुझसे, कोई क्वेश्चन है पूछ लो, मैं आंसर सबको देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। चलते हैं पोको C3 की तरफ। सबसे पहले इसके डिजाइन और डिस्प्ले की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो Redmi 9C था उसी को रीब्रांड करके लेकर आ रहे हैं, तो इसका बॉक्स जो है उसके ऊपर प्राइस जो है 11,000 लिखा है 4GB 64GB का, लेकिन मेरे हिसाब से 11,000 नहीं रखेंगे, इसका प्राइस आपको 9,000-9,500 के आसपास होगा क्योंकि 10,000 से Redmi 9 Prime चल होता है जो कि इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना प्राइस रखेंगे, 9,500 से इसकी शुरुआत होगी, देन 6GB अगर वेरियंट आता है तो और आगे जाएगा, 3GB वाला होगा तो और कम रहेगा, देखेंगे जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.53 इंच का वाटरड्रॉप नॉच वाला HD+ का डिस्प्ले मिलता है जिसमें 400 निट्स की ब्राइटनेस है, तो HD+ के लिए ठीक है। देन उसके साथ वाटरड्रॉप नॉच है एंड 20:1 का एस्पेक्ट रेशियो, 720p वाला डिस्प्ले। रियर साइड पे जाओगे तो ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है और टेक्सचर्ड फिनिश है, तो फिनिश जो है थोड़ा ग्रिप बनाने में अच्छा रहेगा आपको एंड देखने में भी अच्छा लगता है। डिजाइन डिस्प्ले में ठीक ठाक स्मार्टफोन है, बहुत खूबसूरत तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक ठाक देखने में लगता है, अच्छा ही देखने में लगता है ऐसा समझ लो। तो देखेंगे जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। डिजाइन और डिस्प्ले अगर उसी को कैरी करते हैं तो अच्छा दिखेगा दोस्तों। अब आते हैं परफॉर्मेंस में। तो इसमें मीडियाटेक G35 का चिपसेट है, तो Redmi की तरफ से शायद पहला फोन होगा जिसमें आपको G35 का चिपसेट मिल रहा हो, अच्छा है ठीक है। एंड बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, गेमिंग कर लोगे, पावर वीआर का GPU है, ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 12 MP बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंसी ठीक ठाक दे देगी जिसमें से 4 Core 2.3 GHz पे क्लॉक है, बाकी 4 Core 1.8 GHz पे क्लॉक है, सारे के सारे वही पुराने वाले A53 वाले कोर्स हैं, तो परफॉर्मेंस आपको 1,10,000 के आसपास दे देगा। जैसे मैंने कहा पावर वीआर का GPU है तो गेमिंग ग्राफिक्स अच्छे से कर लोगे। एंड्रॉइड 10 के ऊपर आएगा जो कि MIUI 12 के साथ और पोको लॉन्चर के साथ आने वाला है, तो देखने में आपको अच्छा लगेगा। ब्लोटवेयर्स नहीं मिलेंगे ज़्यादा आपको ऐड नहीं मिलेगा एंड बेटर है Xiaomi Redmi के फोन से, तो ज्यादा बेटर ही होगा, पोको लॉन्चर ज्यादा बेटर है दोस्तों उसमें, तो परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिलने वाली है। अब आते हैं कैमरा पे। तो रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, 13 MP का प्राइमरी सेंसर होगा जिसमें F2.2 का अपर्चर होगा, उसके साथ 2 MP के दो सेंसर होंगे, एक मैक्रो और एक डेप्थ। 1080 वाले वीडियोज निकाल सकते हो, बुके पैनो में HDR सब कर लो, के फ्लैश दिया हुआ है रियर साइड पे, ठीक है अच्छी चीज है। फ्रंट में आओगे तो 5 MP सेंसर दिया है, उसका भी अपर्चर F2.2 का है, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, HDR फोटोग्राफी कर सकते हो, सारी चीजें कर लोगे। तो मैं कहूंगा कि कैमरा अगर 9,000 तक आता है तो डिसेंट है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, डिसेंट कैमरा कहूंगा एंड सारी चीजें आपको इसमें मिल रही है दोस्तों। बात करते हैं बैटरी की। USB 2.0 के पोर्ट के साथ 5000 mAh बड़ी बैटरी आने वाली है और 10W का ही चार्जर होगा, तो फास्ट चार्ज का सपोर्ट नहीं है, तो अगर 10,000 में लाएंगे तो इससे बेटर तो Redmi 9 Prime हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसको 10 में लाने वाले हैं, 9,000 के आसपास की प्राइस होगी इसकी, देखेंगे, लेकिन बड़ी बैटरी आपको 10W का चार्जर और USB 2.0 का पोर्ट इसमें मिलेगा दोस्तों। सेंसर्स की बात करते हैं। रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, फेस अनलॉक काम कर लेगा, एक्सेलेरोमीटर, हेड लाइट सेंसर सब मिल जाएंगे, जायरोस्कोप शायद आपको सॉफ्टवेयर बेस मिले, वाइड वाइन L1 तो चांसेस कम है, कैमरा 2 MP का सपोर्ट मिल जाएगा, 3.5 mm जैक होगा, मोस्ट ऑफ द इतने बेसिक सेंसर्स होते हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। वाइड वाइन L1 और जायरोस्कोप का अभी क्लियर हुआ नहीं है, वो जैसे आएगा वैसे उसके बारे में भी बता दूंगा दोस्तों। स्लॉट डेडिकेटेड होगा, अभी तक पता चला है जो बॉक्स पे था वो 4GB 64GB वाला था, एक ही वेरिएंट 11,000 प्राइस बताई गई थी, लेकिन मेरे हिसाब से 4GB 64GB की प्राइस 9,000 या 9,500 के आसपास होनी चाहिए, इवन 10,000 भी नहीं क्योंकि Redmi 9 Prime है वहाँ पे 4GB 64GB के साथ, उससे कहीं बेटर स्पेक्स में, तो अगर 10,000 में उसको लेके आएंगे तो मुझे लगता है कि नहीं चलेगा। एंड पोको ज़्यादा बेटर प्राइसिंग लगता है एज कम्पेयर टू Redmi, तो पॉसिबली यहाँ पे आपको 9,000 के आसपास की ही प्राइस दिखेगी, देखेंगे जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। कैसा होगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताया कि नहीं पसंद आया, और भी बहुत सारी वीडियोस में चेक कर सकते हो एंड मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, साइड में देखो बैक्टर में उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आ जाओ। अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, मैं हमेशा सबको आंसर देता हूँ, आपको भी दे दूंगा, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, फॉलो कीजिए मुझे, कोई भी क्वेश्चन है आप कभी भी पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही,
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।